मामला आया सामने। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि गणपत सिंह ने आसपास के गांव में अपना रुतबा जमा रखा है। चाहे कैसी भी शिकायत हो, तस्दीक किए बिना बेवजह से गिरफ्तार करके पैसा वसूल कर लेते हैं। यह नहीं, गणपत सिंह ने खोडन से एक विवाहिता को ससुराल से लाकर उसकी मां को सौंपने का कांस्टेबल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांस्टेबल गणपत सिंह बिना उच्च अधिकारियों के परमिशन से एक विवाहिता को मामूली शिकायत से विवाहिता को ससुराल जाकर डरा धमकाकर अपने वर्दी का रुतबा दिखाकर सास ससुर को डरा धमकाकर विवाहिता को अपने साथ बाइक पर बैठाकर आम रास्ते में विवाहिता की मां को लाकर सौंपने का मामला सामने आया। जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमारे रिपोर्टर ने जानना चाहा तो पहले तो हेड कांस्टेबल गुमराह करता रहा। जब कैमरे के सामने घबराता हुआ बनी बनाई बात बताने लगा। यह नहीं, जब हमारे रिपोर्टर ने लोहारिया थाने जाकर पड़ताल की तो इस तरह के परिवाद से ही इनकार किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि ये कांस्टेबल अपनी वर्दी का रुतबा कहाँ कहाँ दिखाता होगा। अभी ये पुलिस वाला एक आया, पता नहीं हमको लोहारिया से आया कि शरीर से आया मालूम नहीं है, लेकिन इधर आने के बाद में हमको डरा धमकाया कि क्या बात है ऐसा करके, जो चैन मांग रहा था हमने चैन नहीं दी, पता नहीं वो बोल रहे थे चैन किस लिए यूं हो रहा था, वो भी बोला किस मिनट की बात थी, बस उसके मांग रही थी वो बहू के साथ चैन का तुम्हारे साथ हमारे पास मांग रही थी हमने दी नहीं। हाँ, तो हमको डरा धमका के मैं छोटे भाई के घर पे गया, दो मिनट के अंदर वो हमारे बहू को उठा के लेके चला गया, हमारे बहू को पायल को। क्या मैटर था बहू का? कोई नहीं, कुछ नहीं, आराम से खा रहे पी रहे, कुछ काम नहीं कर रही, आराम से बैठ के खा रहे, कोई तकलीफ नहीं, बस वो जाना चाहती है, उसकी मम्मी बुला रही है। कोई लेडीज पुलिस कोई नहीं, खाली एक पुलिस वाला लिखा है। गाड़ी मोटरसाइकिल थी सफेद कलर की, क्या नंबर था वो मेरे को मालूम नहीं। आपके साथ कौन सी बात हुई इनसे? ना मेरे साथ इसके बाद में इनसे बात हुई कुछ, मैं वहां गया आपसे मुझे क्या मैं ले 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 जाऊं मम्मी अभी या मैं खाना मैं ले जाऊंगी चैन से मुझे चैन से पैसा बाबी चैन से मैं यहां तक पर क्या एग्जाम निकाल लो तो चैन से दिन मार पसंद करना फोन ले गया चैन कैसे मांग रहे मतलब फोन मांग रहे थे पुलिस वाला क्या चैन आज दो आई स्पीड चैन है चैन तो हमारी है मैं क्या कर सादगी में क्या आनंद ना दे तो मैं चैन आना मुझे आप बाहर नहीं आता मैं नौकरस फेरी गया है तो पसंद करना फोन ले गई हमारी। आपका नाम क्या है? निर्मला। पीछे कर गए तो नटोड़ा जी भाई याद कर गए तो सुधा आज वो भी शेयर की मतलब मार रहे हो बिना रेडी टू टेक यू देते हो वहां से अपन जाकर मतलब चेन के चेन हो गई लड़की लड़की नहीं वो बात ऐसा है छोटी बात मेरी चेन ले ली हूं मैंने कहा चैन क्या तेरी है क्या मेरे नहीं है मेरे साथ सासू जी दिए थी इतने क्या मतलब सर जी इतने क्या लग रहा है सर आपके पास कोई मोटी है मोटी रिपोर्ट है लेकिन नहीं मेरे पास परिवार जल्दी रिपोर्ट है आपने जाप में डर अच्छा ये तो जैसे मतलब अभी मेरे ड्राइविंग से होता है मतलब कि तो वहाँ पर मतलब कुछ सर्विस भी होती है आपने कभी तो कुछ पिक्चर परेशान हुआ है ना मारपीट में थोड़ी रोए रहा है उसकी माँ दो दिन मर गई गया फिर माँ उसकी आई बस स्टैंड पर उसको भाई निकले जाओ सामान बैठे ऐसा करना हुआ जो बात है आपका रिपोर्ट ना सही मतलब छोटा नहीं मालूम ना कि आपके वहाँ सीधे यहाँ थे और इधर गए थे आपके पास मतलब सभी मैं थे और इधर गए थे माँ तो लगाए खाने के लिए वहाँ से फिर मेरे पास फॉर्म किया मेरे खाने से जो भी मेरे प्रधान महिला ने फोन किया से फोन किया खाना खाना आपके पास मतलब महिला वहाँ बैठी हुई सर यही बताइए वो तो परेशानी है।